का हमारा ये जो प्लान है, एक 30 बाय 40 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है, जिसमें कि हमने एक 2 BHK प्लान किया हुआ है। सो चलते हैं प्लान की तरफ, हम देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है, जिसमें कि हमारा इसकी जो लेंथ है वो 30 फीट की है एंड इसकी जो विड्थ है वो 40 फीट की है। तो हम फर्स्ट हम इसकी वॉल्स को हाईलाइट कर लेंगे, हमारी जो भी आउटर वॉल्स हैं इनको हम हाईलाइट कर लेंगे। सो हमने इन सारी वॉल्स को हाईलाइट कर दिया है। अब इसके अंदर हमने जो विंडोज़ प्रोवाइड किए उनको हम हाईलाइट कर लेंगे। ये हमारी सारी विंडोज़ हैं। जितनी विंडोज़ हमने प्रोवाइड किया हुआ है इन सभी को हमने हाईलाइट कर दिया है। सो यहाँ पे हमने एक गेट प्रोवाइड किया, फर्स्ट हम इस गेट से एंटर करेंगे। उस गेट की जो हमारी विड्थ है वो 9 फीट की है। यहाँ गेट से हम एंटर करेंगे, फर्स्ट हमारा यहाँ पे पार्किंग का एरिया आ जाता है। इस पार्किंग की जो हमारी साइज़ है वो 11 फीट 4 इंचेस इसकी विड्थ है एंड 12 फीट 6 इंचेस इसकी जो लेंथ है, जिसमें कि हमारा 11 फीट 4 इंचेस इसकी विड्थ है एंड 12 फीट 6 इंचेस हमारी इसकी ये लेंथ है। देन यहाँ पार्किंग के राइट साइड में हमने एक छोटा सा गार्डनिंग एरिया प्रोवाइड किया हुआ है। ये हमारा कंपाउंड वॉल है, हमने कंपाउंड वॉल प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ पे हमने ऑफसेट्स में यहाँ 2-2 फीट के ऑफसेट छोड़े हुए हैं। बैक में भी हमने 2 फीट छोड़ा हुआ है एंड ये हमारे दोनों साइड्स में भी हमने 2 फीट का छोड़ा हुआ है। जो फ्रंट का पोर्शन है यहाँ पे हमने 4 फीट का पैसेज छोड़ा हुआ है। ये 4 फीट हमारी इसकी ये विड्थ है। यहाँ पर हम अपना गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं प्लांटेशन के लिए। देन हमने इसमें जो स्टेयर्स है वो आउटसाइड से प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें कि आप अपना जो फर्स्ट फ्लोर है वो रेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा ये जो स्टेयर्स है उसकी जो विड्थ है वो 3 फीट की है। 3 फीट का हमारा ये विड्थ आएगा स्टेयर्स का। यहाँ से हमारी स्टेयर्स अप जाएंगी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे लिविंग एरिया के अंदर। लिविंग रूम का जो हमारा साइज़ है वो 14 फीट 6 इंचेस बाय 11 फीट का है, जिसमें कि हमारा 14 फीट 6 इंचेस की विड्थ है एंड 11 फीट इसकी ये लेंथ होगी। इसमें 14 फीट 6 इंचेस हमारा ये लेंथ है एंड 11 फीट इसकी ये विड्थ है। देन हम लिविंग रूम से हम एंटर करेंगे हमारे डाइनिंग एरिया के अंदर। यहाँ पे हमने ये जो पैसेज उसको एज अ डाइनिंग हम यूज़ कर सकते हैं। इस डाइनिंग एरिया का जो हमारा साइज़ है वो 7 फीट 6 इंचेस की विड्थ है एंड 11 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ पे हमने राइट साइड में एक WC एंड बाथ प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि हमारा सेपरेट है, जिसमें WC का जो हमारा साइज़ है वो 3 फीट 6 इंचेस बाय 3 फीट का है एंड हमने जो बाथ प्रोवाइड किया हुआ है इस बाथ का जो साइज़ है वो 6 फीट 6 इंचेस बाय 4 फीट का है, जिसमें कि हमारा 6 फीट 6 इंचेस की ये लेंथ है एंड 4 फीट हमारी इसकी विड्थ होगी। देन यहाँ डाइनिंग से हम एंटर करेंगे हमारे किचन एरिया के अंदर। ये जो पूरा पोर्शन हमने किचन प्रोवाइड किया हुआ है, इस किचन एरिया का जो हमारा साइज़ है वो 10 फीट बाय 11 फीट का है, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ है एंड 11 फीट हमारी इसकी लेंथ है। देन यहाँ पे हमने एक वॉश एरिया प्रोवाइड किया हुआ है। इस वॉश एरिया का जो हमारा साइज़ है वो 6 फीट 6 इंचेस इसकी विड्थ है एंड हमारी इसकी जो विड्थ लेंथ है वो 3 फीट 6 इंचेस का है। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर, जो कि हमारा बेडरूम 1 है। बेडरूम 1 का जो हमारा साइज़ है वो 10 फीट बाय 11 फीट का है, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ है एंड 11 फीट हमारी इसकी लेंथ है। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे बेडरूम 2 के अंदर, जो कि हमारा सेकेंड बेडरूम है, वो एक मास्टर बेडरूम है, जिसमें हमने एक अटैच टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया हुआ है। इस बेडरूम का भी जो हमारा साइज़ है वो 10 फीट बाय 11 फीट का है, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ है एंड 11 फीट हमारी इसकी लेंथ है।
जो हमने WC एंड बाथ प्रोवाइड किया हुआ है इसके अंदर, इसका जो हमारा साइज है वो 4 फीट बाय 6 फीट का है, जिसमें कि हमारा 4 फीट इसकी लेंथ है एंड 6 फीट हमारी इसकी विड्थ होगी। इस प्लान में जो हमने आउटर वॉल्स प्रोवाइड किया वो 6 इंचेस की है एंड जो हमारी इंटीरियर वॉल्स है जो कि पार्टीशन वॉल्स है वो भी 6 इंचेस की है। इसमें जो हमने ऑफसेट प्रोवाइड किया, जो हमारा साइड में ऑफसेट है वो 2 फीट का है, जो हमने बैकयार्ड में ऑफसेट छोड़ा हुआ है ये भी हमारा 2 फीट का है एंड जो हमारा इस साइड में आएगा वो भी हमारा 2 फीट का है ऑफसेट। इस प्लान में जो हमने विंडोज़ प्रोवाइड किए, जितने भी विंडोज़ को हमने W से डिनोट किया हुआ है, इन विंडोज़ का जो हमारा साइज़ है वो 4 फीट बाय 4 फीट का है, जिसमें कि 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट इसकी हाइट होगी। जो वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हमने प्रोवाइड किया हुआ है WC एंड बाथ में, जिसको हमने V से डिनोट किया हुआ है, इसका जो हमारा साइज़ है वो 1 फीट 6 इंचेस बाय 2 फीट का है। इस प्लान में जो हमने डोर्स प्रोवाइड किए, जो कि मेन डोर है हमारा जिसको हमने D से डिनोट किया हुआ है, इसका जो हमारा साइज़ है वो 3 फीट बाय 7 फीट का है, जिसमें कि हमारा 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। जो भी डोर्स को हमने D1 से डिनोट किया हुआ है, जो हमारे बेडरूम्स के डोर्स हैं, उनका जो हमारा साइज़ है वो 2 फीट 6 इंचेस इसकी विड्थ है एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। एंड जितने भी डोर्स को हमने D2 से डिनोट किया हुआ है, उसका जो हमारा साइज़ है वो 2 फीट 6 इंचेस इसकी विड्थ होगी एंड 6 फीट इसकी हाइट होगी। हमारा ये जो ओवरऑल प्लान है वो 30 बाय 40 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है, इसका जो टोटल एरिया है वो 1200 स्क्वायर फीट का है एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 लाख के अराउंड आएगा, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक प्रोवाइड किया है जहाँ से जाके आप इसका एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं।